सूर्योदय का समय है और हम चले पंपू डैम। नमस्कार दोस्तों, मैं अनन्या अनन्यास कॉर्नर में आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं आज आप लोगों को चक्रधरपुर पंपू डैम की दृश्य दिखाते जाऊंगी और आगे हमारे साथ बने रहिएगा। मैं यहाँ घूमने आई हूँ इन खूबसूरत वादियों में, और नए साल में यहाँ सैकड़ों की संख्या में लोग चक्रधरपुर पंपू डैम में आते हैं। यह नदियों, पर्वत घाटियों और वन जैसे प्राकृतिक सौंदर्य का खान है। आप सामने देख सकते हैं, ये है पंपू डैम। नाम से ही बहुत सुंदर है, नाम है इसका पंपू डैम। ये संजय नदी के किनारे बसा हुआ है पंपू डैम। तो इन खूबसूरत वादियों का आनंद उठाने लोग दोस्तों के साथ, परिवार के साथ नए साल में तो आते ही हैं सैकड़ों की संख्या में लोग, और हम भी आए थे अपने भाई के परिवार के साथ और मैं अपने बच्चों को लेकर। तो इस तरफ ये है पंपू डैम। इसकी सौंदर्य की बात करूँ तो बहुत ही सुंदर लग रहा था, हम लोग ऊपर से देख रहे थे और काफ़ी सुंदर लग रहा था। सवेरे का चूँकि मौसम था और कोहरा भी छाया हुआ था, जब हम घर से निकले थे कोहरा भी छाया हुआ था। हम जहाँ ठहरे हुए थे अपने भाई के यहाँ, तो यहाँ से यहाँ आना बहुत ही नज़दीक था। हमारा वाहन था एक टोटो, हम टोटो पर सवार होकर कभी पैदल चलते गए, कभी टोटो पर सवार होकर आगे बढ़ते गए। तो आगे भी मैं आप लोगों को दिखाती रहूंगी, बने रहिएगा मेरे साथ अंत तक। नीचे की ओर भी जाया जा सकता है, लेकिन हम लोग नीचे की ओर नहीं गए। नीचे जाके लोग नहाते हैं, फीस्ट वगैरह करते हैं, हर तरह की स्कूल की ट्रिप आती रहती है यहाँ पे, तो नीचे ही यहाँ पे पिकनिक पे वगैरह होते रहता है। पंपू डैम से होते हुए हम लोग आगे बढ़ गए थे। आगे यहाँ देखने लायक बहुत सारा जगह है, तो हम लोग को पता नहीं था खास क्या होने वाला है, लेकिन हमारे जो टोटो के जो ड्राइवर थे वही हम लोग को घुमा रहे थे, तो अच्छा लग रहा था। क्योंकि सवेरे का मौसम है और सर्दी का मौसम है, ठंड में हम लोग काम भी रहे थे और इधर घूम भी रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। कभी हम लोग चलते गए, कभी रुक गए। देखिए ये प्राकृतिक नज़ारा देखिए, इतना सुंदर है। पेड़ों की झुरमुट से देखिए वो सनराइज दिख रहा है, बहुत अच्छा लग रहा था। और हम कैमरे में बंद करते गए। यहाँ हम लोग पैदल चल रहे थे और उसी की ये वीडियो मैंने ली है। चारों ओर बहुत ही सुहाना समय था। ये पंपू डैम हमने जो दिखाया वो संजय नदी के किनारे बसा हुआ था, और हम आगे जो बढ़ रहे हैं ये प्राकृतिक सौंदर्य को देखने का ही मेरा इच्छा था, तो हम आगे उसी तरह बढ़ते गए। टोटो वाले भैया बोल रहे थे सामने एक गांव भी है, तो हम आगे बढ़ते गए। तो इस गांव का नाम है चिरुवाड़ा। जब हम पहुंचे अवाक रह गए, टूटी सड़कों के बीच छिपा हुआ ये खजाना था। बच्चे भी हमारे स्वागत के लिए आ गए थे, वो भी समझ नहीं पा रहे थे जे ये लोग कहां से आ गए हैं, किस लिए आए हैं, कोई कारण तो होगा ही। मेरे भाई ने उनके लिए कुछ खाना वगैरह लिए थे, जैसे बिस्किट वगैरह, तो हम उसे बांटते भी जा रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। उन लोगों के साथ हमने कुछ समय बिताया और फिर आगे बढ़ते गए। एक अद्भुत सा दृश्य था, टूटी रास्ता, कभी पैदल चल रहे थे तो देखिए रास्ता टूटी भी हुई है, उधर से टोटो हमारा जा रहा है। हरी भरी हरियाली के बीच हमने अपने वाहन में सवार होकर चल पड़े थे, बहुत अच्छा लग रहा था माहौल। और इधर पहाड़ियों पर चढ़ रहे थे हम लोग, देखे पत्थर भी, पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े, और ये ऊंचाई काफ़ी थी, काफ़ी ऊंचा हम लोग को चढ़ना पड़ा। उसके बाद जाके हम लोग कुछ देर वहाँ पे बैठे। कुछ देर यहाँ बैठने के बाद हम लोग फिर आगे चल पड़े थे। देखिए यहाँ पे जगह, लेकिन यहाँ काफ़ी ऊंचा है ये वाला जगह, हम लोग काफ़ी ऊपर तक भी गए थे। काफ़ी ऊपर तक जाने के बाद नीचे का दृश्य भी बहुत अच्छा लग रहा था, और जो भी हमारे साथ थे, मेरे भाई का परिवार, मेरे बच्चे, सबको ही ऊपर चढ़ा था, मैं बस नीचे ही थी। और ये पेड़ की छांव में हम लोग कुछ देर बैठे, फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। इसके बाद रास्ते में जाते जाते छोटा सा वाहन जो हमारे साथ टोटो के भैया थे
वो भी काफ़ी गप्पे लगा रहे थे, कभी हंसी मजाक चल रहा था। हम लोग कुछ खाने पीने का भी सामान हमारे साथ लाए थे, वो भी हम लोग खा रहे थे और माहौल बहुत सुंदर था। कभी भी आप लोग आए तो इधर आ सकते हैं। आगे जब हम लोग चले तो यहाँ चिरुवारा गांव होते हुए एक फॉल्स था, वहाँ तक हम लोग पहुँचे। ये भी बहुत खूबसूरत नज़ारा था। यहाँ पे अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो हम लोग उस पार भी गए। वो पहाड़ दिख रहा है, उस पहाड़ के उस पार भी जाना बहुत आसान है, रास्ता बीचों बीच था। तो हम में से कुछ लोग वहाँ पे उस पार गए और हम लोग अपने प्राकृतिक सौंदर्य का जो आनंद बस बैठे बैठे वही लुप्त उठा रहे थे। आगे जब हम लोग चिरुवारा ग्राम पहुँचे थे तो यहाँ इस तरह के गुलगुले मिल रहे थे खाने को, और कुछ ग्रामीण जो क्षेत्र में जो कुछ नाश्ते वगैरह जो मिलते हैं बहुत ही कम रेट पे थे। 5 रुपए में हम लोग को भरपेट खाना, हम लोग गुलगुले खाए, कुछ इडली वगैरह मिल रहा था, कुछ वहीं के लोकल कुछ खाने मिल रहे थे नाश्ते के लिए, तो हम लोग बस उसी को खा लिए और बहुत अच्छा लगा। कुछ हम लोग घर के लिए भी ले आए। झंझटों से दूर सप्ताह अंत में अगर आप कोई ट्रिप करना चाहते हैं, अगर झारखंड जिले में रहते हैं तो बहुत अच्छा एक दिन में ये ट्रिप हो सकता है, तो कभी भी इधर आइए। ऐसी ट्रिप हमारे मन और दिलो दिमाग को आराम पहुंचाती है। प्राकृतिक सौंदर्य का अगर आनंद लेना हो तो ज़रूर आप भी घूम आए। पंपू डैम होते हुए आगे आपको चिरुवराओं भी मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों, आपकी ये व्लॉगिंग वाली वीडियो कैसी लगी बताइएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, और पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल के साथ जुड़ जाइए, मेरे परिवार के साथ जुड़ जाइए, और आगे भी हम लोग मिलते रहेंगे नए नए वीडियो के साथ। तो फिर अगले वीडियो तक इंतजार कीजिए, एक नए वीडियो के साथ बहुत जल्द मिलोगे। तब तक के लिए नमस्कार।